नमस्कार, मैं संजय साहू, आप देख रहे हैं ईडी न्यूज। मैं इस वक्त सिंगरौली जिले के ग्राम पंचायत क्षेत्र कटई में खड़ा हूं। ये आंगनबाड़ी क्रमांक 4 है। ये 2012-13 से इसकी निर्माणता चालू हुई, इसकी पैसा निकल चुकी है, इसकी राशि जो थी वो निकल चुकी है। और उस समय के सचिव श्रीकांत पाठक और सरपंच महेश कुशवाहा जी, और आज तक की इसमें कोई भी लागत वो हुआ जो कि मतलब इसमें कुछ काम नहीं हो पाए। इस ग्राम पंचायत के किस पद पर है? ग्राम रोजगार सहायक। और सरपंच कौन है इस पंचायत में? श्री सुखसेन सिंह। और ये आपके सिक्योरिटी सचिव कौन है? श्री देवी दीन कुशवाहा। देवी दीन कुशवाहा जी का जो कार्यकाल है वो अभी चल रहा है और वो अभी उनके ऊपर धारा 92 चल रही है, तो इस संबंध में अभी आपने जानकारी दिया कि वो बहाल हो चुके हैं, लेकिन हमें जानकारी मिली है कि उनका अभी धारा 92 चल रहा है, इस संबंध में? ये हमको नहीं है जानकारी। अभी आपके द्वारा ही जानकारी दिया गया था कि वो बहाल हो चुके हैं, ये जानकारी हमको नहीं है कि धारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो तो वही बताएंगे। अभी जो सड़क निर्माण का हमने पूछा था, यहाँ पर जो सड़क बनाई गई है कुशवाहा के जगदीश कुशवाहा के घर से देवी दीन कुशवाहा के घर तक, उसका कार्यकाल उसमें कोई भी कार्य नहीं किया गया, वो किस जगह पर उसका यूज किया गया उस पैसे का? उस पैसे का रोड इधर घुमा दिए हैं उत्तर साइड। वो किस जगह का नाम होगा ना, कहाँ से कहाँ है ना? दरमनपुर, ये जो स्कूल साइड में घुमा दिए हैं, जो स्कूल बना है प्राइवेट स्कूल के साइड में। नाम उस जगह का मतलब कहाँ से कहाँ तक बनाएगा? दरमन कुशवाहा, ये दरमन यादव के घर। अच्छा, वो जो सड़क निर्माण कराया गया उसकी दूरी कितनी है? दूरी तो अब नापना पड़ेगा कितनी दूरी होगी। अच्छा, और लागत उसमें? लागत अब देखना पड़ेगा उसमें। अच्छा, आपको जानकारी में नहीं है थी? हाँ, नहीं है हमारी जानकारी। वित्तीय प्रभार पर इस समय प्रेजेंट टाइम पर आप ही हैं, फिर भी आपको जानकारी नहीं है? तो जानकारी अब देखते हैं, रुपया देख के बताते हैं कि कितना निकला है, किधर क्या हुआ है। और जो आंगनबाड़ी का निर्माण कराया गया आपके ग्राम पंचायत में, वो ऐसा क्यों पड़े हैं, वो किसके कार्यकाल में हुआ? उसकी जानकारी तो नहीं है, हम नहीं थे उस समय, जानकारी पता करके बताएंगे। मतलब आपको इस पंचायत के बारे में बहुत कम जानकारी है? नहीं, यहाँ भी की जानकारी है पुराना, अब तो अचानक पूछ रहे हैं तो देख के ही बताएंगे ना। उनका प्रभार है ही नहीं जी। हाँ ना, नया में आया है, उसके पूर्व प्रभाव मिल गया है रोजगार का, तो ये फुल सिक्योरिटी के बराबर काम कर रहे हैं। अरे वो किसी को नहीं समझता है जी। जी, मैं कहता हूँ हमारे जिससे पूछिए जी, किसी काम करता हो, कुछ करता हो, अपने मन के काम करता है, ये बात है। अच्छा, निवेदन जी। अच्छा है, ठीक है, चल रहा है, चल रहा है, इसी तरह से चलता है, अगर नहीं सुना जाता तो क्या मतलब। चले, इनके खिलाफ कितने जगहों पर आवेदन दिए हैं? हम गांव के प्रधान का दिए हैं, हम दिए हैं, किसका सुना जाएगा? हम सीओ साहब से बात सुना जाएगा, सीओ साहब से बात किए, सीओ साहब बोले कि फिर देखता है। फिर बीच में थोड़ा सा ठीक था, और वो 420 वाला काम करता है, हेरा फेरी करता है बैलेंस में। हमारा कोई अधिकार नहीं समझा जाता पंचायत में इसके चलते, तो फिर आपका अधिकार नहीं समझा जाता इसका उसके मतलब चलते सीधे, सीधे ये जो है तो शासन प्रशासन भी सचिव के साथ में है, सचिव के साथ में, आपके साथ में नहीं है, जनता के साथ में नहीं है, क्योंकि आप तो जनता के हैं। हम सब करते हैं, हम गांव के विकास के लिए सहमत कर देते हैं। चलो ठीक है ना जी सर, एक मिनट और। हम गांव के विकास के लिए हम सहमत कर देते हैं, चलो ठीक है, काम करेगा, कोई काम के लिए बात कहता है, कर दिए काम का, साइंस कर दिए, उसमें हेरा फेरी हो जाता है। अच्छा अच्छा, इसके बाद उसमें ले मजदूरी का भी रजिस्टर होता है। हम अगर लेते हैं तो हम अगर काम करवाते हैं तो मजदूरी में डिस्टर्ब होता है। अच्छा, तो हम छोड़ दिए,
काम धाम सब यह करो करवाओ तो तुम्हारे ही हिसाब पे रहेगा। करवाता सब वही करवाता है, फिर भी वही शिकायत मिलता है ऑनलाइन शिकायत, तो फिर भी हम यार। हम कुछ मतलब अपने परेशानी आपको होती है जी सर जी, मनमाना वो करता है सचिव, परेशानी आपको झेलनी पड़ती है। सट बात है, हमारे क्षेत्र पंचायत के अंदर मतलब अपना जानकारी ले ले तो ऐसे सचिव पर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, सचिव लायक ही नहीं है वो, बिल्कुल निष्कासित कर देना चाहिए। दूसरा सचिव आ जाए तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो हम काम चला रहे विवश होके। जी जी जी।